दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है Redmi K80 सीरीज़, K80 Pro और K80 दोनों ही साथ में लॉन्च और 6000 mAh की बैटरी के साथ ये डिज़ाइन है। जहां तक इसमें बता दूं कि इसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं, इसके चिपसेट हैं, फिर डिस्प्ले है और भी इसके चार्जिंग का सपोर्ट कितना कुछ मिल रहा है। आपको ये चीज़ याद दिला दूं कि इसमें आपको 8th Gen 4 चिपसेट मिलने वाला है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्मार्टफोन को कब कैसे लॉन्च कर रहे हैं। K80 Pro मॉडल जो ग्लास बैक और मेटल फ्रेम का होगा और ये भी फीचर्स 2K रेजोल्यूशन वाली फ्लैट OLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 120 रैपिड चार्जिंग के लिए शामिल है। K80 प्रो में नया स्नैपड्रैगन 8th Gen 4 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। सिक्योरिटी के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट, 2K OLED डिस्प्ले है उसमें Redmi K80 में, और स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है। और ऐसे ही बताया जा रहा है कि अगर एक K80 प्रोसेसर K80 में फीचर्स में आपको 8th Gen 3 है तो ये फ़ोन जल्दी लॉन्च होगा, और लेकिन K80 Pro ये दोनों सीरीज़ को लॉन्च करेगा साथ ही 2025 में चीन के बाहर के मार्केट में पोको F7, पोको F7 Pro इसी का रीब्रांड तैयार करेंगे, जो कि F सीरीज़ हमेशा ही Redmi K80 को बिल्कुल इंप्रेशन रहता है, उन्हीं के देख के लॉन्च होता है नाम चेंज करके। टिप्सर स्मार्ट पिकाचू ने दावा किया था कि K80 सीरीज़ में 5500 mAh की बैटरी है, जो कि K80 Pro में 6000 mAh की बैटरी होगी और नया डिज़ाइन मिलेगा, ऊपर बाएं के कॉर्नर पर बेस्ड होंगे, वो देखते हैं एक बार लॉन्च होने के बाद। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसी पुख्ता नहीं आया है, लेकिन इतना है कि K80 में आपको स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 चिपसेट मिलेंगे और K80 Pro में स्नैपड्रैगन 8th Gen 4 चिपसेट मिलेंगे। तो हालांकि अगले साल ही लॉन्च होगा, अब इस साल कोई सवाल नहीं उठता कि लॉन्च हो जाए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक देखिए, वीडियो पसंद है जब आप लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं सने वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।